बड़वानी कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मारुति वैन से अवैध शराब परिवहन कर रहे दो लोगों को हिरासत में लेकर 10 पेटी माउंट बियर सहित 12 बोर का देसी कट्टा जब्त किया है। बड़वानी शहर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हंड्रेड डायल पुलिस की सहायता से सजवानी रोड के पास नहर किनारे घेराबंदी कर एक मारुति वैन को पकड़ी, जिसमें 10 पेटी माउंट बियर भरी हुई थी। तलाशी में पुलिस को 12 बोर का देसी कट्टा भी मिला। पुलिस ने मारुति वैन सवार दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी राजाराम पटेल व तिलक पटेल धार जिले के ग्राम कलमानी से एक मारुति वैन में अवैध शराब लेकर बड़वानी के ग्राम सजवानी रोड की तरफ जा रहे थे, तभी उक्त वाहन को पकड़ा है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। ये SP बड़वानी श्री निमित अग्रवाल सर के लगातार निर्देश है कि जो भी अवैध शराब जुआ सट्टा है इस पर कार्रवाई होना है। उसी के तहत आज लगातार जब हम सुबह पेट्रोलिंग में उप निरीक्षक राजू सिंह थे और डायल 100 को सूचना मिली थी कि एक मारुति वैन जो है धार तरफ से आ रही है और उसमें कुछ अवैध सामग्री रखी, कट्टा और अन्य चीज़ें। उस सूचना पर डायल 100 और जो राजू सिंह उप निरीक्षक पेट्रोलिंग में थे, उन्होंने घेराबंदी करके उस गाड़ी का पीछा किया। जो सजवानी रोड पर जो पैरामाउंट स्कूल है वहाँ पर उस गाड़ी को रोका और रोकने पर उसमें जब प्रथम दृष्टिया दो व्यक्ति बैठे हुए थे, जिसमें राजाराम चौहान धाबा बावड़ी और तिलक सिंह, ये छापड़ी अंजड़ का रहने वाला है। जब गाड़ी की पूरी तलाशी ली गई तो उसमें करीब 10 पेटी लेमन बियर होना पाई गई और उसी की जो ड्राइवर की सीट के पीछे एक काले रंग की थैली थी, उसमें जब देखा तो उसमें कट्टा भी रखा हुआ था। तो पुलिस ने यह चीज़ अवैध थी, इसलिए आबकारी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत शराब और गाड़ी जब्त कर लिए। दोनों आरोपी राजाराम और तिलक सिंह गिरफ्तार हो गए और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।